गोपाल कांडा जो कि यहाँ पे अपने आप को समाज सेवी कहते हैं और उन्होंने वो शर्मनाक काम उनका सामने आया है लोगों के, जिससे कि हमारी ये धार्मिक धरती है सिरसा उसके लिए बहुत शर्मनाक बात है कि यहाँ के विधायक की ऐसी बातें आप लोगों के सामने आई है कि जिस लड़की ने आत्महत्या करी है और उसने गोपाल कांडा का नाम अपने सुसाइड नोट के अंदर शो करा है, तो हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गोपाल कांडा को इस पद से हटाया जाए, मंत्री पद से हटाया जाए। और ना कि हम राजनीतिक तौर पर कह रहे हैं, यहाँ के लोगों ने वोट डाले हैं गोपाल कांडा को ताकि वो यहाँ का विकास करा सके, पर यह बहुत शर्मनाक बात है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को। बाकी जल्द से जल्द मुख्यमंत्री गोपाल कांडा से इस्तीफा लेंगे ताकि कांग्रेस की छवि ठीक रहे। आप सिरसा के नागरिक हैं, कैसा मानते हैं? बहुत ज्यादा गलत है जी, बहुत ज्यादा गलत हुआ है ये सिरसा की। आज दिल्ली में हुआ है, कल ये सिरसा भी हो सकता है, ये हरियाणा में, हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकता है, ये बहुत ज्यादा गलत है। सिरसा नगरी है, एक धार्मिक स्थान है, समाज सेवी को आता अपने आप को, बहुत ज्यादा गलत है। हमारी मांग ये है कि सीएम साहब से ये आज एक विनती करते हैं पूरी जनता की तरफ से कि जल्द से जल्द इसे इस्तीफा लें, इसे तुरंत कार्रवाई करें। जनता के रुख को देखते हुए गोपाल कांडा मंत्री पद को त्याग पत्र दे, सरकार तत्काल रूप से इसको गिरफ्तार करे, सीबीआई इसकी पूरी तरह से जांच करे, इसने कितनी गुंडागर्दी हरियाणा में मचाई है, कितना धन लूटा है, ये ताजमहल इसका वर्णन लग रहा है, इसकी इंक्वायरी की जाए। भी हम सीएम से ये रिक्वेस्ट करते हैं भी इनको जल्द से जल्द इस्तीफा दिया जाए और इनको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाला जाए। अरे जो घटना घटी है बहुत निंदाजनक है और बहुत ही सारा सरसा वासियों को शर्मिंदा करने वाली बात है, पूरे हरियाणा वासियों को। ऐसे मंत्री है ना, जो इनको ऐसी कोई इच्छा है तो इनको बाहर ले देश जाना चाहिए, जहाँ खुली इनको लिए करनी चाहिए वहाँ जाके अपनी एसओएस करें, या हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं चलेगा और इनको तुरंत ही पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए और जेल में करना। गोपाल कांडा अपने आप को बोलते हैं कि ये कांग्रेसी नेता है, ना हम भी कांग्रेसी हैं, सारे कांग्रेस इस शहर के, इस हरियाणा के सामने है, कोई ऐसी बात नहीं आज, बल्कि गोपाल कांडा अभी तक कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस को दोष देना ठीक नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इनसे अपना इनसे इस्तीफा ले लेंगे। सिरसा के नागरिक हैं, कैसा मानते हैं? बहुत ज्यादा गलत है जी, बहुत ज्यादा गलत हुआ है ये सिरसा की। आज दिल्ली में हुआ है, कल ये सिरसा भी हो सकता है, ये हरियाणा में, हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकता है, ये बहुत ज्यादा गलत है। सिरसा नगरी है, एक धार्मिक स्थान है, समाज सेवी को आता अपने आप को, बहुत ज्यादा गलत है। हमारी मांग ये है कि सीएम साहब से ये आज एक विनती करते हैं पूरी जनता की तरफ से कि जल्द से जल्द इसे इस्तीफा लें, इसे तुरंत कार्रवाई करें। जनता के रुख को देखते हुए गोपाल कांडा मंत्री पद को त्याग पत्र दे, सरकार तत्काल रूप से इसको गिरफ्तार करे, सीबीआई इसकी पूरी तरह से जांच करे, इसने कितनी गुंडागर्दी हरियाणा में मचाई है, कितना धन लूटा है, ये ताजमहल इसका वर्णन लग रहा है, इसकी इंक्वायरी की जाए। हम सीएम से ये रिक्वेस्ट करते हैं भी इनको जल्द से जल्द इस्तीफा दिया जाए
और इनको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाला जाए। ये जो घटना घटी है बहुत निंदाजनक है और बहुत ही सारा सरसा वासियों को शर्मिंदा करने वाली बात है, पूरा हरियाणा वासियों को। ऐसे मंत्री है ना, जो इनको ऐसी कोई इच्छा है तो इनको बाहर ले देश जाना चाहिए, जहाँ खुली इनको लिए करनी चाहिए वहाँ जाके अपनी एसओएस करें। यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं चलेगा और इनको तुरंत ही पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए और जेल में करना चाहिए।